नमस्कार, बहू एक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश पड़ियाल। ये तस्वीरें उधमपुर के दारोड से हैं और लगातार देर रात से बारिश। उधमपुर ज़िले की अगर बात करें तो पूरे उधमपुर ज़िले में बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में सीज़न का पहला स्नोफॉल भी हुआ है। ये तस्वीरें उधमपुर दारोड से हैं और लगातार काले बादलों के घने अंधेरे ने पूरी तरह से लोगों को घर में कैद कर दिया है। बारिश लगातार हो रही है और वहीं अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में भी सीज़न का पहला स्नोफॉल हुआ है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल से कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। यहाँ पे ओले बरसे हैं और सबसे अहम बात से आपको रूबरू करवा दें कि कुछ ही दिनों बाद, जाने के 2 महीनों के बाद दिसंबर है और दिसंबर में बर्फबारी हो सकती है और बाहरी राज्यों से जो सैलानी पत्नीटॉप में नए साल का जश्न मनाने आएंगे उनके लिए ये खुशखबरी है कि इस बार मौसम ने फिर से एक करवट बदली है। सर्द हवाओं का चलना शुरू हो गया है। बारिश लगातार जम्मू के अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो जम्मू के मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, ओले बरस रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार बारिश जो है वो हो रही है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास जानकारी आई है, अगर उधमपुर ज़िले की हम बात करें तो कोई भी बारिश से जानी मानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। लेकिन बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। एक और बात से आपको रूबरू करवा दें कि अगर आप जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू की तरफ सफ़र करना चाहते हैं तो आज के दिन आप अपने सफ़र को इग्नोर कीजिए। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे यातायात के लिए देर रात से ही पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि रामबन ज़िले के अलग अलग जगहों पर पसिया गिरने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। वहीं लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया। तस्वीरें आपसे साथ दे सकते हैं, जो लोग इक्का दुक्का घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनको भी इस तरह की तेज़ बारिश और ओलों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें, जो लोग घर से बाहर निकले हैं वो कहीं ना कहीं किसी दुकान पे जाके बारिश से बचने का सहारा ले रहे हैं। धुंध है, बारिश तेज है, ओले बरस रहे हैं और लगातार तेज हवाओं का चलना शुरू हो गया है। ऐसा लगता है मानो सर्दी आज से ही शुरू हो गई है। अगर ऐसा ही ठंडा मौसम रहा, ठंडी सर्द हवाएं रही तो नवंबर के एंडिंग या दिसंबर के पहले सप्ताह पत्नी टॉप और नथा टॉप में भी स्नोफॉल हो सकता है। बाहरी राज्यों से जो सैलानी पत्नी टॉप, नथा टॉप और पहाड़ों की हसीन वादियों में नए साल का जश्न मनाने आना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। सर्द हवाओं का चलना लगातार जारी है, मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। दिन में ही रात का एहसास हो रहा है क्योंकि घने बादलों ने एक बार फिर से दिन को रात में तब्दील कर दिया है। तस्वीरें उधमपुर ज़िले के दारोड से हैं और दारोड की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। यहाँ बारिश तेज हो रही है। वहीं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ, जो लोग घर से बाहर ज़रूरी काम के लिए निकले हैं तो उनको इस तरह से किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेकर ही बारिश से बचना पड़ रहा है। सर्द हवाएं लगातार चल रही हैं, वहीं ओले भी लगातार बरस रहे हैं। ये
आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ओले भी बरस रहे हैं और तेज हवाएं और तेज बारिश लगातार हो रही है। बाहु एक्सेस के माध्यम से ये तस्वीरें आप उधमपुर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं और लगातार बारिश तेज हो रही है और ओले भी लगातार बरस रहे हैं। मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। ये आप देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने कहीं ज़रूरी काम के लिए घर से निकलना है, घर से तो निकल गए हैं लेकिन बारिश से कहीं ना कहीं बचते नज़र आ रहे हैं। किसी छतरी का सहारा या फिर किसी की दुकान पर बैठकर बारिश से बचने का इंतज़ार किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो लोग घर से किसी ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकले हैं लेकिन बारिश से कहीं ना कहीं बचने का प्रयास किया जा रहा है। एक और अहम जानकारी से फिर से आपको हम रूबरू करवा दें कि अगर आप जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे सफ़र आज के दिन करना चाहें तो उसे टाल दें। आज के दिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे सफ़र ना करें क्योंकि देर रात से तेज़ बारिश और पहाड़ों पे बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और बारिश एकदम बरस रही है और सर्द हवाएं भी लगातार चल रही हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। अब लगातार बारिश पूरे जम्मू कश्मीर में हो रही है और तेज बारिश में हर किसी का गुजरना भी मुश्किल हो रहा है। तेज बारिश में गाड़ियां आप देख रहे हैं किस तरह से गुजर रही हैं और सर्द हवाएं भी लगातार चल रही हैं। अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में इसी तरह से तेज बारिश और सर्द हवाएं चल रही हैं। वहीं अगर पहाड़ों की बात करें तो कश्मीर घाटी और लेह लद्दाख और कई जगहों पर सीज़न का पहला स्नोफॉल भी होने की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। मैं लगातार आपने व्यूअर्स से ये अपील कर रहा हूँ कि आज के दिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफ़र करने ना उतरें। तेज़ बारिश और सर्द हवाओं से लगातार पसीने जो हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे गिर रही हैं और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और तेज़ बारिश भी लगातार हो रही है, वहीं ओले लगातार बरस रहे हैं। ये ओलों की तस्वीरें हम कोशिश करेंगे अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने की कि लगातार ओले भी बरस रहे हैं, सर्द हवाओं का चलना भी शुरू हो गया है। ये तस्वीरें आप बाहु एक्सेस के माध्यम से जम्मू श्रीनगर हाईवे से सटीक दार रोड की तस्वीरें हैं और दार रोड पे इस समय तेज बारिश भी हो रही है। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से ओले उधमपुर में बरस रहे हैं, सर्द हवाओं का चलना शुरू हुआ है, ओले लगातार बरस रहे हैं। वहीं पहाड़ों की अगर बात करें तो पहाड़ों में भी पहले स्नोफॉल की तस्वीरें लगातार आई हैं। तस्वीरें लगातार आप बहु एक्सेस के माध्यम से देख रहे हैं और ये उधमपुर दार रोड की तस्वीरें हैं और तेज बारिश लगातार हो रही है, वहीं ओले भी लगातार बरस रहे हैं,
सर्द हवाएं लगातार चल रही हैं, मौसम लगातार सर्द हवाओं का रुख अब करने लगा है। अब सर्दी लगता है शुरू ही हो गई है क्योंकि मौसम ने फिर से करवट बदली है, सर्द हवाएं ओले बरस रहे हैं। वहीं अगर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो पहाड़ी इलाकों से भी पहले स्नोफॉल की, सीज़न के पहले स्नोफॉल की तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं। वहीं अपने व्यूअर्स को एक बार फिर से मैं रूबरू करवा दूं, कुछ लोग जो हैं हमारे पास में हमारे साथ नहीं जुड़ पाए थे, अब जो लोग जुड़े हैं उनके लिए एक अहम जानकारी मैं फिर से आपको दे दूं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे यातायात के लिए आज पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लगातार देर रात से ही तेज़ बारिश हो रही है और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे जगह जगह पस्सियाँ गिरी हुई हैं। रामबन ज़िले की अगर बात करें तो रामबन ज़िले में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे कई पस्सियाँ गिरने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उधमपुर से बाहु एक्सप्रेस के लिए राकेश पडियाल की ये खास रिपोर्ट।